हेलो मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल चाल है आपके? और कुछ लोगों ने मुझसे जो है ये सवाल करा था कि ऑटो लाइन कैसी है और ऑटो लाइन में कितना महीने का कमा लिया जाता है, कितना रोज की कमाई होती है। तो आज मैंने पकड़ा है चांद भाई को। चांद भाई भी ऑटो चलाते हैं और मैं भी ऑटो चलाता हूँ। तो आज चांद भाई बताएंगे कि कितना रोज की कमाई हो जाती है और कितना महीने की कमाई हो जाती है। तो चांद भाई बताएंगे इन सब के बारे में। चांद भाई, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया हाल चाल है। ऊपर वाले का शुक्र है, उसका एहसान है मेरे मालिक का, बहुत ही बढ़िया। आजकल काम थोड़ा ठंडा है, बड़ा मुशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पहले तो हम जो है 30-40 हजार रुपए ऐसे कमा लिया करते थे कि हमें पता नहीं लगता था कि हमने कब में कमा लिया और कब में हमारी गाड़ी की किस्त चली गई और कब में हमारी कमेटी चली गई। और बाकी काम धंधा थोड़ा सा डाउन है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है ज्यादा, और सर्दी की वजह से कुछ काम ज्यादा डाउन रहता है। लोग बाग मेरा माल सप्लाई करने का काम है, जो मैं माल सप्लाई करता हूँ वो घरों में लगता है, रेलिंग वगैरह। लोग बाग सर्दी में अपने घर कम बनाते हैं और मेरे सारे भाई स्टील वाले जानते हैं, मुरादाबाद से हमारे एक वसीम भाई हैं, वो माल भेजते हैं पूरी दिल्ली के अंदर, उनका माल जाता है, सप्लाई होता है, मैं वो सारा माल सप्लाई करता हूँ। और महीने के 30-40 हजार रुपये ऐसे कमा लेते हैं कि महीने में पता नहीं लगता। बाकी काम नहीं चल रहा तो इस वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कत बहुत परेशानी हो रही है। और दुआ करें हमारे लिए कि सभी भाइयों का काम बहुत बढ़िया चले। ठंड में जो काम होता है कैसा होता है? ठंड में काम ठंडा होता है, सवारियां ठंडा होता है या बहुत ठंडा होता है? बहुत ठंडा होता है, सवारी नहीं निकलती, ऑटो में नहीं बैठती, कैब करती है, कार से ज़्यादा जाना पसंद करती है सवारी, कार यूज़ ज़्यादा करती है। और ऑटो वाले को सवारी में जो काम करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत परेशान होते हैं बेचारे। दिन में वो अगर 1,000 रुपये कमा लाए तो बहुत बड़ी गनीमत समझो। और जो है जिससे भी पूछो ना तो वही कहता है कि भाई 500-700 का काम हुआ है, इसमें क्या 400 रुपये दिहाड़ी दे गाड़ी की और क्या अपने घर का खर्चा पूरा करें। तो बड़ी तकलीफ होती है इस चीज़ को देख करके। ज़्यादा से ज़्यादा सवारी हमारी जो भी हमारा इस चैनल को देखे और ऑटो में बैठ के हमारे ऑटो वाले भाई बहुत ज़्यादा गरीब हैं और ऑटो में बैठ के जाने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है चांद भाई कि ऑटो वाले लूटते बहुत हैं, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं भी ऑटो ही चलाता हूँ कि 400 रुपये की तो दिहाड़ी है गाड़ी की, तो 450 रुपये दिहाड़ी हो गई है और कम से कम 300 रुपये गाड़ी में सीएनजी लगती, तो 750 रुपये तो पहले हमें ये कमाना होता है। देखो 700 रुपये सबसे पहले ये कमाने होते हैं, फिर उसके बाद में जा कर के ड्राइवर को अपने लिए कमाना पड़ता है और उस पर सवारी ये बोलती है कि ऑटो वाले ज्यादा पैसे मांगते। चांद भाई देखो, तुम भी ऑटो कब से चला रहे हो तो हमें सवारी मिलती है, ज्यादातर लमसम की सवारी मिलती है, हम उन्हें मीटर के लिए ऑफर करते तो मीटर से क्यों नहीं बैठते? भाई सरकार ने तो देखो मीटर बना रखा है कि मीटर से चलो, तो क्यों नहीं जाते हो? वो मीटर से यूं नहीं जाते क्योंकि हमें जो है ना सवारियां मीटर से यूं नहीं जाती क्योंकि उन्हें पता है कि ज्यादा पैसे बनेंगे इस जगह के। अगर जैसे उन्हें नांगलोई से आनंद विहार जाना हो, 375 रुपये बनते मीटर के। मैंने एक बार मीटर से मैं लाया था सवारी को तो 375 रुपये बने थे मेरे। और उसके बाद में जो है ना वो सवारी चाहती है, अब तो ये हो गया है कि भैया किसी और को बिठा लेना। सवारी एक बिठाने के बाद में दूसरी इसलिए नहीं बिठाते कि हमारी भी जान को नुकसान है और जो सवारी बैठी है वो अपने घर कैसे जा रही है, पैसे लेके जा रहा, गरीब आदमी है, नौकरी पैसा आ रहा है और कमा करके जो भी 10-15-20 हजार रुपये अपने वो नौ सैलरी के लेकर के अपने घर जा रहा है, अपने गाँव जा रहा है बीवी बच्चों में, वो सवारी गलत बैठ जाए उसके अंदर और सवारी गलत बैठ जाती है, वो ऑटो वाले के भी कुछ कर सकती है, सवारी का भी कुछ कर सकती है। मैंने एक ऑटो वाले से सुना था कि जो ऑटो वाले को भी बेहोश कर दिया और एक सवारी को भी बेहोश कर दिया, उससे पैसे वैसे छीन लिए। और ये तुम्हारा नांगलोई साइड का केस है, वहाँ पर मैं खड़ा हुआ था स्टैंड पर अपने घर आने के लिए, मैं माल लेकर के गया था यहाँ से सीलमपुर से
तो वहाँ वो तो वाला मुझे बता रहा था, कह रहा था मुझे पूरे 15 घंटे में होश आया था। मेरे घर वालों ने थाने में रिपोर्ट और इधर आधर सब कुछ कंप्लीट कर दिया था। जब मुझे होश आया तो मेरी गाड़ी में उसकी गाड़ी में सीएनजी भी नहीं थी। वो उसके अपना लाइसेंस जमा करवा के सीएनजी पंप वाले को उसमें थोड़ी सी सीएनजी डलवा के जब अपने घर पहुंचा, फिर अगले जब वो कार सही हो गया, थोड़ा सा ठीक हो गया, तो फिर वो अपना लाइसेंस वहाँ से लेकर के आया, उसे पैसे देकर के आया सीएनजी पंप वाले को, अपना लाइसेंस लेकर के काम पे गया। ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करा करें जब ऑटो में बैठ के जा रहे हैं कि किसी और सवारी को ना बिठाएं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। आप ही 10-20 रुपए की ऊपर रियायत करके ऑटो वाले से बोलो कि भैया छोड़ दो, 10-20 रुपए फालतू एक्स्ट्रा ले लेना, कुछ नहीं जाएगा, आपका भी कुछ नहीं जाएगा, वो भी खुशी खुशी जाएगा ऑटो वाला। अच्छा चांद भाई, एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे कि जो है बहुत सारे ऑटो वाले हैं वो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, तो क्या सवारियाँ अंधी होती हैं, उनको दिखाई नहीं देता ये शराब पिए हुए इसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं वो अपनी भी जान का नुकसान कर रहे हैं। एक तो वो अल्कोहल पी करके अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी सेहत का नुकसान कर रहे हैं, और प्लस एक वो अपनी खुद जान का नुकसान करेंगे, बाई चांस नज़र बची दुर्घटना घटी तो उसके साथ जाना जो है ना बड़ा रिस्की मामला है। साइड मार दी किसी के, एक केस मैंने भी देखा था कश्मीरी गेट पे, वो विकलांग था पैर से और वो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था बहुत तेज़ी में, उनने SHO की गाड़ी में मार दी, पूरी साइड से स्क्रैच कर दी। उसको मैंने सपोर्ट करा थोड़ा सा उतर के, मैंने कहा देखो शायद, मैंने जब उसका मुँह सूंघा तो उसके मुँह से बदबू आ रही थी और वो गाड़ी इधर सिरमपुर साइड की थी जो, और कम उम्र का लड़का था वो, 22-23 साल की उम्र का लड़का था, हल्का सा उसके पैर में पोलियो था और बाकी वो ठीक ठाक था। उसका पूरा शीशा निकल के गाड़ी से बाहर गिर गया, वो SHO की गाड़ी में उनने मारी और उसको तो गाड़ी बंद कर दी उसको उठा करके। तो शराब पीने वालों के साथ में कुल मिलाकर के ये है कि अगर आपको स्मेल आ जाए तो आप बिल्कुल भी ना जाएं, गाड़ी में से उतर जाएं, किसी और ऑटो वाले को कर लें, उससे कह के भाई रोक के मुझे नहीं जाना, मैं अपने घर जा रहा हूँ वापसी, तो मुझे यहीं उतार दो।